मिस्टर नजीब, बारात वाले स्कैंडल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम उस मौजू को भूल चुके हैं और यहाँ सुकून से जी रहे हैं। इस इवेंट ने आपकी बिजनेस लाइफ पे इफेक्ट किया है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं किया और यकीनन करेगा भी नहीं। हम एक मजबूत एस्टेब्लिशमेंट हैं। शुक्रिया इकबाल मैडम। मिस्टर नजीब, आप भी इधर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। कहाँ बैठना है? वहाँ बैठें। अच्छा, आप लोग आ जाएं, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। मिस्टर महमद, आप भी इधर आ जाएं। रेडी। अंकल, आप लोग यहाँ के बैठ जाएं। आप सोफे पे आके बैठ जाएं। प्लीज आप लोग सामने देखें। मिस्टर नजीब, क्या हो गया? क्या हमने ऐसे एग्री किया था? आप तो मेरा हर कहना मान रही थी। अफसोस की बात है मिस्टर नजीब, क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? आपको क्या लगा कि एक नेकलेस से, एक क्रेडिट कार्ड से मैं फौरन आपकी कैदी बन जाऊंगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ समझौता कर लूं, तो आपको अपने पर्स का मुंह थोड़ा ज्यादा खोलने की जरूरत होगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, शायद ये क्रेडिट के लोन को क्लियर कर दें, एसेट्स के ऊपर जो सीजर उसे लिफ्ट कर दें। किसके बदले में? आप पागल हो गई हैं। ये तो आप खुद जाने। मैं तो अब उन सवालों का जवाब देने जा रही हूँ जो सहाफी मुझसे पूछेंगे। मिस्टर नजीब के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? नजीब, ये औरत तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं इकबाल मैडम। कैसे कुछ नहीं? मैं तो समझ रही थी कि तुमने उन्हें सीधा कर दिया है। हम उन्हें इंसान क्या बनाते, वो लोग हमें डुगडुगी पे नचा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे काम है। असल में ये सवालात मिस्टर नजीब या जुमरत मैडम से पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं हमारे इश्क को लव एट फर्स्ट साइट कह सकता हूँ। इतने साल एक साथ गुजारने के बावजूद हमारी मोहब्बत से कुछ कम नहीं हुआ है। हम उनके पास शिफ्ट नहीं हुए हैं, हम अपने महल में शिफ्ट हुए हैं। तुम भूल गए मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं हूँ, अलगाज होल्डिंग की मेंबर भी हूँ। काम हमारा इंतजार कर रहा है। गुड डे। एक्सक्यूज मी, ये क्या था रेहान? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझे तुम क्यों लोगों के सामने डांट रही हो? क्या मैं तुम्हारे पास काम करने वाला हूँ या शौहर हूँ? मैंने तुम्हें नहीं डांटा, सिर्फ काम की याद दिलाई। फिर तो तुम्हें अपने लहजे पे गौर करना चाहिए कि मुझे तुम डांट रही थी या नहीं। हाँ, अब मैं खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। मुझे बहुत तजस्सुस है जुमरत मैडम। मेरे ख्याल से तुम्हें होना भी चाहिए। मैं नानी बनने वाली हूँ। मॉम प्लीज, स्वीटी बताने में हर्ज क्या है? हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, इससे हमें फख्र होना चाहिए। मिस्टर चिनार, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ?
मैं भी यहाँ एक दो खबरें खोल दूं क्या? क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन आपको बहुत अफसोस होगा, है ना? मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो। ये मत कहना कि मैं हक पर नहीं हूं। तुम हक पर ही हो। अपनी बेवकूफी के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि मैं झांसे में आ गया था, लेकिन मुझे एक चांस तो दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है हा? मतलब जो कुछ भी हुआ है मैं सब भूल जाऊं? अगर भूल भी गई तो क्या होगा? पूरे जहां में तुमने मेरी इमेज खराब कर दी। कोई और रास्ता नहीं है शफीक, ये तलाक तो होगी, और जो मैं चाहूंगी वो तुम मुझे दोगे। मुझे कंगाल करके छोड़ रही हो तुम, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया तो मुझे परेशान करना पड़ा। इकबाल मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। जी बोले। हेलो, मैं चनार अलगास की माँ हूँ। बोले, क्या चाहती हैं आप? मैं आपसे एक खास काम के लिए मिलना चाहती थी।